देश की यूपीए की सरकार देश की व्यवस्था को संभालने में नाकामयाब है, हर मोर्चे पर नाकामयाब है, टोटल फेलियर है। पिछले दिनों का इतिहास देखें कि जो कारनामे किए हैं डीमोनेटाइजेशन करके पूरे देश के गरीबों को बैंकों की लाइन में खड़ा कर दिया, बहाने निकालते हैं काला धन लाने के, आज इतने महीने के बाद भी आरबीआई वहां पर उसका चीफ आकर के ये बोलता है कि हमें नहीं मालूम कि कितना पैसा मिला, हम आज भी गिन रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था, देश की एक भी व्यवस्था सही नहीं चल रही। देश के कानून और व्यवस्था में इतनी गिरावट है कि गुनाह का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, बलात्कार देश में बढ़ते जा रहे हैं, देश में लूटपाट मची है, देश की स्वास्थ्य की सुविधाएं सही नहीं है। आपने गोरखपुर का मामला जानते होंगे, वहां कम से कम 70 लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, बच्चे मर गए। गुजरात में 246 लोगों ने अपनी जान स्वाइन फ्लू को लेकर गंवाई। खटोली में अकस्मात में कम से कम 50 से ऊपर संख्या में लोग मरे। क्रिमिनल नेग्लिजेंस हर जगह पर इनकी व्यवस्था तंत्र में दिख रही है। इनको कोई सरकार चलाना देश चलाना नहीं, और इसीलिए वो लोगों को भटकाने के लिए नए नए नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। कभी तलाक की बात करते हैं, कभी लव जहाज की बात करते हैं, कभी गौरक्षा की बात करते हैं, कभी सीमाओं की बात करते हैं। और सीमाओं की हालत तो इन्होंने ऐसी की है कि इन्हें ये नहीं मालूम कि पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते कैसे रखें। उनके पास डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं, तो हमेशा ऐसी भाषा बोलते हैं जिसको लेकर के सीमाओं में तनाव पैदा हो जाए। आज देश की हालत जो बनी है वो इन्हीं के जरिए बनी है। देश का किसान परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, देश का दलित हर जगह पर पिट रहा है, देश का अल्पसंख्यक के साथ लिंचिंग हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, देश के चर्चेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, वैंडलिज्म हो रहा है। देश के कौन से लोग सुरक्षित, देश का मजदूर बेरोजगार हो रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बिजनेस खत्म हो रहा है, आप देखिए कि एक्सपोर्ट खत्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है देश। ये लोग देश नहीं चला पाएंगे, इनका काम देश चलाना नहीं है, ये कभी देश नहीं चला पाएंगे। और जब देश नहीं चला पाने की स्थिति में तो वो ऐसे इश्यू खड़े करते हैं जिसको लेकर के लोगों में तनाव पैदा हो और लोगों को बांटने का काम।